नमस्कार, एनबीएसई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कोमल शेखावत। आइए रुख करते हैं विशेष खबर की। विधानसभा चुनाव अब पास में ही आ गए हैं, जिसमें चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करेगी आरएलपी। अब आरएलपी और आजाद समाज पार्टी अब मिलकर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने जयपुर में आरएलपी के 5वें स्थापना दिवस समारोह व सत्ता संकल्प महारैली के समापन की भी घोषणा की। इस मौके पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि केटली यानी आसपा का चुनाव चिन्ह और बोतल यानी आरएलपी का चुनाव चिन्ह मिलकर राजस्थान को नई दिशा देंगी। हमारे गठबंधन से बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की तबीयत भी बिगड़ रही है। अब धीरे धीरे राज खुल रहे हैं, जिसमें लाल डायरी के अगले पन्नों पर अब आ रहा है बीजेपी के नेताओं का नाम। उस समय सीएम अशोक गहलोत की मदद थी, अब जब उनकी सरकार गिर रही समय था जब बातें होती थी, और अब कहीं भी नाम नहीं है। इसलिए क्योंकि लाल डायरी के पहले पन्ने और कांग्रेस के नेताओं का लेखा जोखा था, वहीं अगले पन्नों पर बीजेपी के उन नेताओं के नाम थे जो सीएम के टच में थे, जो उनसे लेन देन कर रहे थे। इसलिए बीजेपी ने लाल डायरी के मुद्दे को दफन कर दिया। प्रदेश में यह मिला जुली का खेल लंबे समय से चल रहा है। खबर में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।